नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल लर्निंग टाइम में स्वागत है। तो मैं आपके लिए जो आपकी पूर्वांचल विश्वविद्यालय है यानी वीर बहादुर सिंह की जो यूनिवर्सिटी है पूर्वांचल विश्वविद्यालय, उसकी एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ हाजिर हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के बारे में जानकारी दी है। यूनिवर्सिटी की कुलपति जो निर्मला एस मौर्य ने कहा, अनुत्तीर्ण छात्रों को निराश होने ना होने के लिए कहा और सूचित किया है कि विश्वविद्यालय शीघ्र ही उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक मौका देने जा रहा है जो विद्यार्थी श्रेणी सुधार करना चाहते हैं अथवा बैक पेपर देना चाहते हैं। ये मौका उन सभी प्रश्न पत्रों के लिए है दिया जाएगा। विश्वविद्यालय का एक ही ध्येय है, मतलब एक ही उद्देश्य है कि सभी विद्यार्थी समय पर अपनी परीक्षा का फॉर्म भरते हुए अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों। तो भ्रम की स्थिति ना रहे तो उनका एक ही उद्देश्य है कि समय से परीक्षा फॉर्म और भरते हुए परीक्षाएं दें और जीवन में आगे बढ़ने का लक्ष्य पढ़ते हैं। तो आप लोगों को एक और मौका मिलेगा, परीक्षा फॉर्म गलत भरने से सफल में त्रुटि के निस्तारण के लिए हुई अधीनस्थ संघ बैठक की छात्र जो है ना ध्यान में रखकर किया गया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परीक्षा परिणामों को लेकर किसी भी बहकावे में ना आए और कुछ विद्यार्थी अपने रोल नंबर या प्रश्न पत्र चयन का भी ध्यान नहीं देते हैं कि प्रोग्राम में क्या भरा गया, तो इसकी वजह से परीक्षा फल का सॉफ्टवेयर मिसमैच करता है। परीक्षा फल INS से ना अपूर्ण दर्शाता है, तो ध्यान रखें इस चीज़ का दोस्तों। अगर आपकी कोई गलती है तो प्लीज़ अपने अपने डाटा बिल्कुल सही करेक्ट फिल करिए, आपको दोबारा मौका दिया जाएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो जय हिंद जय भारत, और सभी के लिए मेरे लिए ऑल द बेस्ट।